नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास में हम मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये जो टॉपिक है इसे हम दो पार्ट में देखेंगे। तो पहले पार्ट को मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है, जिसमें मैंने बात किया बहादुर शाह प्रथम से लेकर के रफी उद दौला तक। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल पर चले जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आइए तो इस वीडियो को देखिए। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और याद से उस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, रफी उद दौला तक हमने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था। रफी उद दौला के बाद सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह, जिसका नाम रोशन अख्तर था, इसको गद्दी पर बैठाया। तो जैसा कि पिछले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फर्रुखसियर से ये सिलसिला शुरू हुआ, यानी सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया, उसके बाद रफ़ी उद दर्जात को गद्दी पर बैठाया, उसके बाद रफ़ी उद दौला को गद्दी पर बैठाया और उसके बाद मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया। यानी कुल चार शासकों को इन्होंने गद्दी पर बैठाया और इसीलिए इन्हें कहा गया नृप निर्माता, यानी राजा बनाने वाले लोग, सैयद बंधु। अब एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि मुगल जो शासक हुए औरंगजेब के बाद, बहादुर शाह प्रथम से लेकर के रफी उद दौला तक, तो ये सारे जो शासक रहे उनको बार बार मैंने आपसे कहा कि ये अयोग्य थे। लेकिन इनके साथ एक बहाना भी जुड़ा हुआ था। वो बहाना ये था कि इन्हें शासन करने के लिए बहुत वक्त नहीं मिला। जैसे अगर हम बहादुर शाह प्रथम की बात करें तो 1707 में वो गद्दी पर बैठा और 1712 में उसकी मृत्यु हो गई, यानी 5 वर्षों तक उसने शासन किया। उसी प्रकार से जहांदार शाह 1 वर्ष और 6 वर्षों तक फर्रुखसियर, उसके बाद 3-3, 4-4 महीने तक रफी उद दर्जात और रफी उद दौला ने शासन किया। तो इनके पास एक बहाना ये था कि हमें समय नहीं मिला, नहीं तो अगर समय मिला होता तो मुगल साम्राज्य को हम बचा सकते थे विघटन से। लेकिन ये बहाना भी मोहम्मद शाह के पास नहीं था, क्योंकि इसे बहुत लंबा समय मिला शासन करने के लिए, 1719 से लेकर 1748 तक। ठीक है, इसीलिए ये सेकेंड लाइन मैंने लिखा है कि अंतिम शासक जो साम्राज्य को बचा सकता था। लेकिन ये एक अयोग्य शासक था जो सुरा सुंदरी में डूबा रहता था, विलास प्रिय था, और इसीलिए इसे रंगीला भी कहा गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक मुगल साम्राज्य को बचाया जा सकता था, लेकिन ये अयोग्य निकल गया। अब देखिए, इसके समय तक आते आते मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन इस विषय में बात करें मुगल साम्राज्य के कमजोरी के, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा तो इसका शासन सूत्र भी इन्हीं सैयद बंधुओं के हाथ में आ गया। सैयद बंधु अपनी मनमर्जी करने लगे, लेकिन फर्रुखसियर की तरह ही इसने भी ये प्लान बनाया कि किसी प्रकार से अपने रास्ते से इन सैयद बंधुओं को मैं हटा दूं और स्वतंत्र शासक के रूप में मैं कार्य करूं। और इस हेतु चिनकिलिज खां और अमीन खां के साथ मिलकर के इसने सैयद बंधुओं की हत्या करा दी। अब यह पूरा घटनाक्रम कैसे चला, इसको हम सैयद बंधुओं के विषय में एक अलग लेक्चर में बात कर लेंगे। अभी बहुत नहीं, अभी बस इतना कि चिनकिलिज खां, अमीन खां की मदद से मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं का अंत कर दिया और एक प्रकार से उनकी चंगुल से ये निकल गया। इस समय तक आते आते मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया और कई स्वतंत्र शासक उभर करके आए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम चिनकिलिज खान, जिसका एक नाम निजामुल मुल्क भी था, ये
1722 में वजीर बना मोहम्मद शाह का, मुगल साम्राज्य का। और ये बहुत ही योग्य व्यक्ति था जिसने ये प्रयास किया कि एक प्रकार से फिर से मुगल प्रशासन को ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया जाए और जो दरबारी षड्यंत्र का माहौल है उसको शांत किया जाए, दरबारी षड्यंत्रों का अंत किया जाए। लेकिन मोहम्मद शाह का इसको सहयोग नहीं मिल पाया। ये ढूलमूल नीति वाला था जिसकी रुचि शासन और प्रशासन में बिल्कुल नहीं थी, और इसलिए इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर के ये 1724 में चिनकिलिच खान दक्कन चला गया। और दक्कन में जा करके इसने एक स्वतंत्र रियासत बनाई और उसकी राजधानी बनी हैदराबाद। तो इस प्रकार से जो दक्कन का पूरा क्षेत्र था जो मुगलों के अधीन था, वहाँ एक स्वतंत्र रियासत खड़ी हो गई जिसे हम हैदराबाद के नाम से जानते हैं। और ये रियासत भारत की आज़ादी तक बनी रही। भारत जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद इसका विलय भारतीय भू क्षेत्र में हो गया, ठीक है। उसके अलावा सादत खान जो कि अवध का मुगल सूबेदार था, इसने भी जब देखा कि साम्राज्य कमजोर हो गया, शासक कमजोर हो गया, तो इसने भी खुद को स्वतंत्र कर लिया। इसी प्रकार से मुर्शिद खुली खान जो बंगाल का मुगल सूबेदार था, इसने भी स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। तो अगर आप देखें तो दक्कन का पूरा जो एरिया था वो इनके हाथ से निकल गया, उसी प्रकार से अवध एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र था वो इनके हाथ से निकल गया, और उसी प्रकार से बंगाल। तो यहाँ जो बंगाल कहा जाता है उसका मतलब होता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों प्रांत को मिलाकर के बंगाल होता था उस समय का। तो ये भी इनके हाथ से निकल गया, यानी अब मुगल साम्राज्य बहुत छोटा हो गया। और इसी दौरान पूरा राजपूताना आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, और कई छोटी बड़ी रियासतें उभर करके आईं। और ये सब जो है मुगल साम्राज्य में पहले थे और बाद में जा करके धीरे धीरे सब स्वतंत्र हो गए, तो मुगल साम्राज्य बहुत छोटा हो गया। इसी के समय में 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठे दिल्ली तक चढ़ाए। मैंने दिल्ली तक लिख करके छोड़ दिया था, जगह नहीं था, तो आप लिख लीजिएगा कि मराठे दिल्ली तक चढ़ाए। कहा जाता है कि 500 घोड़े लेकर के मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम दिल्ली को घेर लिया, और जब तक मुगल बादशाह ने उसकी सारी शर्तें नहीं मान ली तब तक वो वापस नहीं गया। ये एक बहुत दुस्साहसिक कदम था, 500 घोड़े की मदद से दिल्ली में आकर के मुगल बादशाह को हड़का करके, उसे डरा करके फिर से मराठा क्षेत्र में चला जाना, ये बहुत बड़ा कदम था। ये बहुत ही योग्य पेशवा रहे, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में 40 युद्ध लड़ा और 40 के 40 युद्धों में इन्होंने विजय श्री को प्राप्त किया। जब हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो बड़े विस्तार से मैं आपसे बाजीराव प्रथम के बारे में बात करूंगा, अभी के लिए बस इतना ही। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लेता है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये याद करिए। और जब भारत पर इसने आक्रमण किया तो करनाल का एक युद्ध हुआ जिसमें कि मोहम्मद शाह की हार हुई, नादिर शाह जीत गया। लेकिन यहाँ बताया जाता है कि ये जो चिनकिलिच खान था इसने कुछ पैसों का इसको लालच दिया और ये कहा कि इतना पैसा ले लो और इस मैदान से ही तुम वापस अपने देश चले जाओ। लेकिन सादत खान ने कहा जाता है कि इसको लालच दिया कि नहीं, ये जो पैसा ऑफर कर रहे हैं ये बहुत कम है और तुमको दिल्ली पर अटैक करना चाहिए, दिल्ली में बहुत मोटा माल तुमको मिलेगा। और इसी के कहने पर इसने दिल्ली पर अटैक किया, दिल्ली को खूब लूटा गया और 20,000 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। बहुत बड़ा वो हत्याकांड हुआ, 57 दिन ये दिल्ली में रहा और जी भर करके इन लोगों ने लूटा। बहुत काफ़ी जो है
सोना, हीरा, चांदी ये सब लेकर के पैसा अपने देश गया। उसी के साथ तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा भी लेकर के ये अपने देश चला गया। तो ये पूरी कहानी नादिर शाह के हमले की। इसी नादिर शाह के हमले की वजह से सबको ये पता चल गया कि मुगल साम्राज्य जो है वो एकदम कमजोर है, उसके पास कोई दम नहीं है। और यहीं से कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा जाग गई कि भारत में हम भी अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। उसी में दो विदेशी कंपनियां भी थी, एक जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में भी फ्रेंच और ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि 1739 में नादिर शाह के हमले और करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह की हार ने सबको ये प्रेरित कर दिया कि भारत में वो जो है अपना साम्राज्य बना सकते हैं। इसमें मराठे भी शामिल थे। ठीक है, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह शासक बना 1748 से 1754। ये मोहम्मद शाह के एक नर्तकी से पैदा पुत्र था। नर्तकी से मोहम्मद शाह ने विवाह कर लिया था, मैंने बताया ये रंगीन मिजाज का था, और उसी से जो पुत्र पैदा हुआ था उसी का नाम था अहमद शाह, जो कि 1748 से 1754 तक दिल्ली का सम्राट रहा। इसके समय तक आते आते वित्तीय व्यवस्था एकदम छिन्न भिन्न हो गई थी, और बताया जाता है कि मुगलों के बर्तन तक बिकने लगे थे, सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा था, और सैनिक जो है वेतन न मिलने की वजह से विद्रोह करने लगे थे। इसके समय में एक हिजड़ा जिसका नाम जाबिद खान था वो दरबारी राजनीति का नेता बन बैठा था, और काफी प्रभाव मुगल साम्राज्य में ये रखने लगा था। बाद में सफदरजंग ने इसकी हत्या करवा दी, और सफदरजंग ने जब इसकी हत्या करवाई तो उसके बाद अहमद शाह का वजीर बना इमादुल मुल्क। ठीक है, इसी के समय में 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने अपना प्रथम आक्रमण भारत पर किया था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था 1761 का पानीपत का युद्ध। तो 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया, हालांकि मच्छीवाड़ा के पास मानकपुर में जो युद्ध हुआ उसमें अब्दाली को इसी अहमद शाह ने हरा दिया। ठीक है, तो ये जो इमादु मुल्क वजीर बना था इसी ने इसको अंधा करके जेल में डाल दिया। किसको? अहमद शाह को। तो आप देखिए, फर्रुखसियर की हत्या हुई और फिर जेल में डाले। तो कहने का मतलब है कि जो मुगल अमीर हैं वो बहुत मजबूत हो गए हैं, और शासक जो हैं मुगल साम्राज्य के वो उनके हाथों की कठपुतली हो गए हैं। जिनको मन करता है वो शासक बनाते हैं, और जिनको को मन करता है उनकी वो हत्या कर देते हैं। इसके बाद गद्दी पर बैठा आलमगीर द्वितीय। 1754 से लेकर के 59 तक ये शासक रहा। प्लासी का युद्ध इसी के समय में हुआ, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। याद रखिए कि प्लासी का युद्ध इसी के समय में हुआ 1757, और इसकी भी हत्या इसके वजीर ने कर दी, यानी इमादुल मुल्क ने कर दी। ठीक है, तो आलमगीर द्वितीय की कहानी इस तरह से समाप्त हो गई। उसके बाद मुगल गद्दी पर शाह आलम द्वितीय बैठा 1759 से लेकर 806 तक। देखिए, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने यहां लिखा नहीं है, जब आलमगीर द्वितीय की हत्या हुई तो उस समय ये जो शाह आलम द्वितीय है ये बिहार में था, और वहीं से इसने अपने को मुगल बादशाह घोषित कर लिया। लेकिन ये जो इमादुल मुल्क है इसने मुगल साम्राज्य के एक शहजादे को पकड़ा, और उसको शाहजहां तृतीय के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा समय था जबकि मुगल गद्दी पर दो शासक एक साथ बैठे, एक तो दिल्ली में बैठा और एक बिहार में बैठा। ठीक है, तो ये बहुत दिनों तक
दिल्ली में घुस नहीं पाया क्योंकि दिल्ली में इन लोगों का कब्जा था, इमादु मुल्क वगैरह का, और इसने शाहजहां तृतीय के नाम से एक लड़के को गद्दी पर भी मैंने बैठाया। तो ये बिहार में ही रहा और वहीं से ये शासक रहा। इसके समय में बहुत सी घटनाएं घटी, उनको एक एक करके हम देख लेते हैं। तो इसी के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है 1761 में। अब यहां देखिए कि मुगल साम्राज्य कितना कमजोर हो चुका है कि भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य मुगलों के पास, तो कोई भी विदेशी आक्रमण होता था तो मुगल लड़ने के लिए जाते थे। यहां तक कि नादिर शाह के समय तक भी मुगल ही गए थे, लेकिन 1761 में पानीपत के युद्ध में लड़ने के लिए मुगल नहीं गए बल्कि मराठे गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उस समय मराठों की स्थिति क्या हो गई थी, कि एक प्रकार से वो स्वयं शासक हो गए थे पूरे भारत में। मतलब भारत का मतलब है कि पूरा भारत नहीं होता है, लेकिन भारत में सबसे बड़ी शक्ति मराठे हो गए थे, और इसीलिए पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ने के लिए वो गए थे। उसके बाद बक्सर के युद्ध में इसने भाग लिया था। बक्सर का युद्ध हम आगे जो है जब बंगाल को देखेंगे तो उसी में प्लासी और बक्सर की बात करेंगे। बक्सर के युद्ध में भारत के तरफ से तीन शक्तियां लड़ रही थी अंग्रेजों से। एक तो ये शाह आलम द्वितीय था, और एक जो है बंगाल का नवाब था, और एक जो है अवध का नवाब था। ये तीनों लोग बक्सर के मैदान में हार गए, और इस प्रकार से अंग्रेजों का भारत में साम्राज्य बनाने का जो सपना था वो बक्सर से पूर्ण होता हुआ दिखने लगा। तो बक्सर के युद्ध में ये हार गया 1764 में, और इसी के समय में क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। ठीक है, वो जो इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, उसमें क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। बंगाल वाले लेक्चर में हम इस पे विस्तार से बात करेंगे, अभी तो हम एक स्नैपशॉट ले रहे हैं कि किसके समय में क्या क्या हुआ। 1765 से लेकर के 1772 तक ये अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। देखिए, जब ये बक्सर के युद्ध में हार गए लोग, तो अंग्रेजों ने इसको पकड़ा और इसको इलाहाबाद में अपने संरक्षण में रख लिया। तो वहां ये 1765 से 72 तक रहा। बाद में मराठे इसको इलाहाबाद से उठा करके ले आए और दिल्ली की गद्दी पर इसको बैठा दिया। ठीक है, यहां मैंने लिखा है कि 1772 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली लौटा। 1803 में दिल्ली पर जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था, उसमें दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, और फिर से इसको अंग्रेजों ने अपना पेंशन याफ्ता बना दिया, यानी कि अब ये पेंशन पर पलने लगा। बाद में इसकी मृत्यु हो गई 1806 में। उसके बाद अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसके बारे में बताने के लिए बस इतना है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि इसी ने दी थी। तो अब देखिए, राम मोहन राय को राजा की उपाधि है ना, पूरा राजा राम मोहन राय, तो ये जो राजा शब्द है वो इसका दिया हुआ है, अकबर द्वितीय का। परीक्षाओं में कितनी बार पूछा गया है इस बात को, तो इसने उनको दे करके राजा की उपाधि कम से कम इतिहास में अपने बारे में दो लाइनें सुरक्षित करवा ली, एक तो उपाधि देकर और दूसरी इसी के समय में मुगल सिक्के बंद हो गए। यानी 1835 में मुगल सिक्के भारत में चलने बंद हो गए, अब ये ब्रिटिशों का पूरा मामला हो गया। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम से हमने शुरू किया था, तो बहादुर शाह द्वितीय से हम अंत करेंगे। अंतिम मुगल बादशाह शायरी का बहुत शौकीन था, शैर लिखता था, जफर उपनाम से ये शैर लिखता था। 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों का ये पूरे देश में यही नेता था। हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा से मुगल राज भारत में समाप्त हो गया, यानी जो बाबर से मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था उसका अंत 1 नवंबर 1858 से हो गया। और
ये जो बहादुर शाह द्वितीय था ये रंगून में इसको निर्वासित कर दिया गया। उसी रंगून में 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जफर उपनाम से शेर लिखता था, तो उसका एक शेर सुना करके मैं आज के इस लेक्चर को समाप्त करना चाहूँगा। न किसी के आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता चिराग हूँ। तो कहने का मतलब है कि अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को इस शेर के माध्यम से इसने बखूबी बताया है कि इतने बड़े मुगल साम्राज्य का एक शासक किस प्रकार से अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गया और निर्वासित अपने देश से जा करके दूर रंगून में ये इसकी मृत्यु हुई। तो उसी अपनी स्थिति परिस्थिति को इस शेर के माध्यम से इसने व्यक्त किया है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।